आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आवाज यहां चली गई थी, अलग मैं दोबारा बता रहा हूं, फिर बता दूंगा क्या बता रहा था। वैक्यूलर सैप है ना, क्या है, कैसे है, डिस्कशन करना ही हम सबको है। आइए बेटा, 60 क्वेश्चन आपके हो गए ना, आवाज आ रही ना सबको बढ़िया सी। 60 क्वेश्चन होंगे, नहीं लगभग आपका आधा पेपर हो चुका है, और आप बहुत गुड फील कर रहे होंगे, और आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि यार इतना सा और पढ़ लेते तो मैं सफल हो जाता, इतना और पढ़ लेते। ये बेटा हर एग्जाम में होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके यहाँ 2 लाख बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें से 70% बच्चे वे होते हैं जो फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, नहीं लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं बेटा। यानी कि आपके 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आपके 1.5 लाख तो ऐसे ही हैं कूड़ा, मैं कूड़ा कह सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। फॉर्म आने के बाद बेटा वो पढ़ना शुरू करते हैं, और बचे हुए जो 30% बच्चे हैं, 25% हैं, वो भी जब तैयारी करते हैं तो आप मानकर चलिए उसमें 20% ऐसे होते हैं जो कि तैयारी तो पूरे साल करते हैं बट सिस्टमेटिक नहीं होते। तो आप ये मानकर 2 लाख बच्चों में आप 70% हटाइए, मैं बहुत क्लियरली कर रहा हूं, 70% बेटा एक हटाइए, 20% एक हटाइए, और अपने आप को उन 10% में रखिए, 10%। और इस 10% में मैंने जो आपको पढ़ाया, ध्यान दीजिए, मैंने आपको ओल्ड थ्योरी पढ़ाई है, और इस समय टेस्ट बेस्ड रैपिड रिवीजन कोर्स बता रहा हूं, ये 1 डे सिलेबस बता रहे ना बेटा, 1 डे। वन डे का मतलब हुआ बच्चों कि एक दिन में पूरी चीज होना, जो 7 से 8 दिनों में हमने यहां पढ़ाई, जो उसे 14 से 15 दिनों में उन्होंने पढ़ाई, उसे एक दिन में पढ़ाया जा रहा है, तो फर्क तो पड़ता है। आपने ये कोर्स लिया और ये पढ़ा है, तो डेफिनेटली बेटा इसको पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन यहां से होने वाला है। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, 65 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। क्या महसूस कर रहे हो इसको भी देखिए आप, कितना बेहतर महसूस कर रहे हो, कितना खराब महसूस कर रहे हो। हारते हो तो जीतने के लिए तैयार रखो, रास्ता खुलता है, मिलता है, और जीत जाते हो तो खुशियां अपार होती हैं। हारना भी चाहिए समय समय पर, मुझे खेल हमें दोनों भावनाएं देता है, हारता भी है और जिताता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, वैक्यूलर सैप में पीएच कितना है एसिडिक? 5। द जेनेटिक मेटल ऑफ द बैक्टीरियल सेल लोकलाइज्ड विद द डिस्क्रीट रीजन, यार उसे न्यूक्लोइड कहते हैं, उस एरिया को जीनोफोर कहते हैं, उस एरिया को जीनोफोर कहते हैं, उसे न्यूक्लोइड कहते हैं जहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। मेरी बिटिया, यही तो मैं पढ़ाते समय बताता हूं, देखो कितना डिफरेंस आप महसूस कर रहे हो, एक टेस्ट पेपर देना, एक पढ़ना, बस इस डिफरेंस में आपको अंतर लाना है, इस डिफरेंस में जो अंतर है उसे कम करना है, टेस्ट देते समय और पढ़ते समय। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग, कितना आसान लग रहा है, टेस्ट दे रहे थे कितना कठिन लग रहा था, इस डिफरेंस को कम करना है, और कम करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और अभी मैं हार रहा हूं तो इसलिए कि मुझे जीत का रास्ता देखना है, मैं हारूंगा और हारूंगा और हारूंगा, जीत का रास्ता प्रशस्त करूंगा, और मुझे जीतना तो है इसमें कोई संदेह नहीं, और जीत कर ही आगे आना। मतलब निधि, एटलीस्ट आप लगातार लिख रहे हो, 2 से 3 बार लिख चुके हो, अब आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है, या बाद में आसान, तब कठिन क्यों लग रहा था? केवल प्रैक्टिस।
मैंने जो शब्द बोले हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी क्लास में एक एक शब्द एक एक क्वेश्चन होता है, कोई मजाक नहीं होता उस समय। सब्जेक्ट में जब बोल रहा होता हूँ तो कोई सब्जेक्ट होता है बेटा, इतने सालों के अनुभव के बाद केवल सब्जेक्ट निकलता है, केवल क्वेश्चंस निकलते हैं। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, आप लगे रहिए, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा प्रयास कीजिए, सफलता तो मिलनी तय है, कोई नहीं रुक पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज प्रोड्यूस फ्रॉम, अरे भाई अभी बताया, ये है क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियोलस लगा हुआ है, NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलर रीजन कहते हैं, यह सेंट्रोमियर है, इसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसे सेकेंड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलर रीजन कहते हैं, इसे सेकेंड कंस्ट्रक्शन भी कह देते तब भी चलता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और बायोलॉजी बिना फिगर के नहीं है, लोग कहते बिना फिगर चल जाएगा, मैं कौन सा क्वेश्चन बिना फिगर बताता हूं ये बता दो, मैं कौन से क्वेश्चन की बात बिना फिगर करता हूं, मैं हर क्वेश्चन तो फिगर बनाता हूं। इट मीन्स देयर इज नीड ऑफ फिगर्स। मुझे तो बेवकूफ नहीं, सवा सौ गुना बेवकूफ लगते हैं वो लोग जो कहें रट लो। क्या रटना, पिक्चराइज कीजिए चीजों को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन तो लंबा है बेटा, आइए देखते हैं। द फिजियो केमिकल अप्रोच टू द स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, हाँ ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट दे दिया यार, ये कहाँ से है, रिडक्शन बायोलॉजी कहते हैं, दिस स्टेटमेंट करेक्ट, ये हो सकता आपका गलत हो गया हो बेटा। सेल थ्योरी विच प्रपोज बाई स्लाइड एंड श्वान एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल फॉर्म, ना 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 नहीं कर पाए थे। सेंट्रियोल इज द सिंगल मेम्ब्रेन, ना मेम्ब्रेन नहीं होती, नेकेड होता है, गलत है। प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड, ये सही है, पहला एंड चौथा सही है, आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट। पहला ऑप्शन यहां पर कहीं ना कहीं आपको गलत लग सकता है या समझ में नहीं आया होगा, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा गया, ये एनसीईआरटी में एक पॉइंट है बेटा। विच इज नॉट ए कंपोनेंट इन द सेल, नॉट ए कंपार्टमेंट इन द सेल, वाह भाई वाह बेटा। ये मानो आप यूकैरियोटिक सेल मल्टीपल कंपार्टमेंट, न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट है, क्लोरोप्लास्ट एक कंपार्टमेंट है, माइटोकांड्रिया एक कंपार्टमेंट है, इन सेंट्रियोल में कोई कंपार्टमेंट नेकेड है, आंसर इज करेक्ट, सेंट्रियोल में है। आप न्यूक्लियोलस भी लगाओ और आप बेटा राइबोसोम को भी लगाओ, ये भी कंपार्टमेंट वाले नहीं है, नेकेड है। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, तो क्वेश्चन आ गया। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, ये सही है। लार्जेस्ट एसो सेल इज ऑस्टिच, ये भी सही है। नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल एंड कैन सीन नेकेड आईना, ये नहीं है, इतनी पड़ी रही है, गलत है ये, ठीक आरबीसी का साइज है, आंसर इज थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चेक आउट द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट, चलो बेटा कौन सा सही है इस पर लोग जांच बैठालते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर्स स्ट्रक्चर विद आउटर टू इनर अरेंजमेंट एज वेल एज सेल, ना गलत हो गया ये, बाहर ये नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वाल, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो पहला बेटा यहाँ पर हमने गलत स्टेटमेंट बता दिया है, और आइए अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स आर द सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, ये सही है।
फिम्ब्री आर स्मॉल ब्रश लाइक फाइब्रिल्स हेल्पफुल इन अटैचमेंट विद द सबस्टेटम, ये भी सही है। द फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड फ्लैजेला, सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, इसलिए ये गलत है। आंसर दूसरा और तीसरा सही है। पूछा क्या गया था, करेक्ट या इनकरेक्ट बेटा, क्या पूछा गया था, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। पहला इनकरेक्ट है और चौथा इनकरेक्ट है। आंसर इज थर्ड। पहला और चौथा इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। पॉलीसोम का मतलब एक आरएनए पर कई राइबोसोम, ऐसा प्रोकैरियोट में होता है। एक एमआरएनए पर कई राइबोसोम पॉलीराइबोसोम होते हैं, सब पढ़ाया है। मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन पॉसिबल थ्रू कैरियर प्रोटीन, सही है। अब कहोगे पोलर मॉलिक्यूल्स, बेटा ये कहा क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल बेटा वो नॉन पोलर हैं और आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो पोलर होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं उसके लिए कैरियर प्रोटीन होती है, उससे बाइंड होते हैं फिर यहां छोड़ दिए जाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म्ड बाय, एंडोमेम्ब्रेन में ईआर है, जीबी है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, करेक्ट। द सेल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल टू मेक ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट इन यूकैरियोटिक इज, डेफिनेटली बेटा आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, दूसरा ये अंदर वाला। तो ई आर बेटा दो भागों में बांटता है साइटोप्लाज्म को। आंसर इज थर्ड। अरेंजमेंट ऑफ गॉल्गी एपरेटस इन अ सेल इज, चलो, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। यहां देख लो बेटा, यहां आ जाओगे, ये है गॉल्गी बॉडी, ये कॉन्वेक्स है, सिस है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, मैच्योर फेस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, मैच द कॉलम। आइए, फैट का मतलब एलोप्लास्ट, जेंथोफिल का मतलब क्रोमोप्लास्ट, प्रोटीन एलिरोप्लास्ट, स्टार्च एमाइलोप्लास्ट। आंसर जो भी हो मैच कर लो। इस प्रकार से एक पेज और कंप्लीट हुआ हमारा। आइए अगले पेज पर, लैम्ब्रस क्रोमोसोम फाउंड इन ओसिट्स डिप्लोटीड में दिखते हैं, यॉक रिच सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। एक चेकआउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियस कंटेन ओनली वन न्यूक्लियोलस, ऐसा सही नहीं है। हमारे ही सेल में बेटा पांच जोड़ी न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, एक नहीं है। मैच द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल विद देयर फंक्शन, आइए मिलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, फ्री राइबोसोम्स सिंथेसिस प्रोटीन, लाइसोसोम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। अब लगा लो बेटा, पहले का चार एक में ही है, यही लग जाएगा।